से इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा। आपने भी तो मुझे नहीं बताया। वो इसलिए कावेरी क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं तुमसे इतनी बड़ी बात कह सकूं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता कावे। तुम्हें दुखी देखता हूं तो मुझे और भी ज्यादा दुख होता है, इसलिए मैंने भी आपको नहीं बताया। इतना ख्याल है तुम्हें मेरा? आपको नहीं। अवेरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमें हमें बच्चा पैदा ना हो। मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी सारी जिंदगी बिता सकता अगर तुम हमेशा मेरा साथ दो। लेकिन फिर भी मैं आपको हमारे प्यार की निशानी देना चाहती हूँ। गरीब, निशानी तो उसे दी जाती है जो जो दूर जाने वाला हो। तुम तो मेरे साथ हो, तुम्हारा प्यार भी मेरे साथ, तो फिर मुझे और किसी निशानी की जरूरत ही क्या है? वैसे भी कसक भी तो अब हमारे ही प्यार की निशानी है ना। तब कसक हमारे पास, हमें एक और बच्चे की क्या जरूरत? आपको पता है ना, कसक को मेरा बहुत ख्याल। जब भी मैं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है ना, कसक को पहले पता चल जाता है। वो कितना रो रही थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं गोद में ही करूं, लेकिन मैं ही उसकी बात नहीं समझ पाई। नहीं समझ पाई मैं उसकी बात। इस मियां बीवी के बीच प्यार इतना ज्यादा है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी इन्हें हिला नहीं सका। ये तो सब कुछ ठीक हो गया। पता नहीं, वहां शायद माँ बेटा बिना बात के ही खुश हो रहे होंगे। अरे मन्नू, तुझे देखना चाहिए था, क्या टाइम पास फिल्म थी वो। कावेरी है तो मालती के बेटे के बॉस की बीवी, लेकिन मालती ने कुछ भी परवाह किए बगैर धो डाला कावेरी को। मुझे पता है मॉम, मैंने सब सुना है। हाँ, नैना थी ना वहाँ पर, उसके अपना फोन चालू रखा और मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ पर होने वाले एक एक डायलॉग का मजा ले रहा था। क्या बात कर रहा है तू? और नहीं तो क्या मॉम, आखिर कमीनेपन में मैं हूँ तो आपकी का बेटा ना। मालक, शर्म नहीं आती माँ से मस्करी करते हुए? वैसे एक बात है मनु, ये जो सब हुआ ना उसमें नैना का भी बड़ा हाथ रहा है। अरे उसने मुझे पहले बता दिया था कि कावेरी वहाँ गोद भराई के लिए आने वाली है, वरना मुझे क्या जरूरत थी मालती जैसी किसी औरत की बहू की गोद भराई में जाने की। हाँ यू आर राइट मॉम, नैना का वाकई कमाल है इसमें, और हमारी किस्मत भी कमाल है जो नैना हमें मिल गई। इसी को तो कहते हैं राम मिलाई जोड़ी। ओ हेलो, रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। आप ये मत सोचिएगा कि कहीं आगे चल के मैं इससे शादी कर लूंगा। अरे मैं जानती हूँ, ये जोड़ी तब तक ही है जब तक बल्लू की जायदाद हमारे पास नहीं आ जाती है ना। हाँ राइट। लेकिन बेटा ये तो तब की बात है ना, लेकिन अभी तो हमें नैना को फुसला कर रखना चाहिए ना। एक काम करती हूँ, मैं नैना को फोन करके बधाई दे देती हूँ। क्या कर रहे हैं आप मॉम? अरे नैना को फोन कर रही हूँ बस। अरे ऐसे किसी भी वक्त उसे फोन मत लगाया कीजिए, क्या पता किस वक्त उसके साथ कौन बैठा है। वो तो ठीक कह रहा है, चलो बाद में दे देंगे नैना को बधाई। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी। सुजाता तू ये हर वक्त क्या करती रहती है? जब देखो भजन ऐसा लगता है जैसे हमने भजन की म्यूजिक कंपनी खोल ली है। शिव शिव शिव, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे ऐसे भजन गाकर मन को शांति मिलती है। एक अपा
सुख मिलता है और हम लोग दुनिया के छल और कपट से दूर रहे। मौसी, अगर हम लोग छल कपट से दूर रहेंगे तो खाएंगे क्या? अरे छोड़ ना मन्नु, तू भी किसके मुंह लग रहा है, मैं तो उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। देखती हूँ कब तक चलाती अपना पाखंड। मेरी भक्ति आप लोगों को पाखंड लगती है? प्रभु इन्हें माफ कर देना, मूर्ख है ये लोग, इन्हें नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। क्षमा। रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। ऐसे मनु मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि घर जाने के बाद कावेरी और बल्लू के बीच आकर क्या बातें हो रही होंगी। डोंट वरी मॉम, डोंट वरी, हैव सम पेशेंस। नैना के जरिए कल सुबह हमें पता चल ही जाएगा कि वहाँ क्या हुआ, और वैसे ड्रामा वहाँ अभी खत्म थोड़ी हुआ होगा, अभी तो सब कुछ चल रहा होगा ना। तो के मिश्रा जी, जो हुआ सो जो कुछ भी हुआ उसके लिए जितने भी माफी मांगी जाए ना वो कम है सर। सर मैं तो आपने क्या काम करने वालों से भी इस तरह का बर्ताव नहीं करता, फिर आप हमारे मालिक है सर, आपसे ऐसा बर्ताव। और सबसे बड़ी बात, कावेरी मैडम कितने रिक्वेस्ट के बाद तो उनको यहां पर बुलाया था उनके साथ। मैंने कहा ना मिश्रा जी, कोई बात सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे दिलासा दे रहे। सर मैं बच्चे के लिए बरसों तरसा हूं सर, बहुत तड़पा हूं सर। मेरी पत्नी को बच्चा नहीं होता था, उसके बावजूद अगर मेरी बीवी को कोई टेढ़ी नजर से भी देख पाता था सर, तो मैं खून खौल उठता था सर। और मेरी मां वो भी हमेशा दुखी रहती थी, हमेशा जज्बाती हो जाया करती थी। आज जो सारा दुख भूल गई, ऊपर वाले ने एक खुशी किया दी, वो अपना पिछला गम भूल गई। उसने कावेरी मैडम के साथ जो बर्ताव किया ना सर, मुझे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी नहीं। क्या करें मिश्रा जी, वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग लोगों से कुछ कह भी तो नहीं सकते। सर आपके जाने के बाद बात वहीं खत्म नहीं हुई सर, मैंने अपनी मां से साफ साफ कह दिया कि अब तू यहां नहीं रहेगी, तू गांव चली जा बस। मिश्रा जी आज जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी माताजी की कोई गलती नहीं, जब एक औरत मां नहीं बन सकती तो दूसरी औरत उससे हमदर्दी जताने के बजाय उसकी प्रताड़ना करे। आपकी मां भी तो उसी रूढ़िवादिता में जकड़ी हुई है जो बरसों से हम देखते आ रहे हैं। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई फर्क नहीं है, आप कल से उसी तरह से आकर ऑफिस में काम कर सकते हैं जैसे आज तक आया करते थे। सर ये तो आपका बड़प्पन है सर, क्या आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। मिश्रा जी माफी मांग रहे थे। वो क्यों माफी मांग रहे? जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी कोई गलती नहीं, उनकी मां ने जो भी किया दुनिया की कोई भी ना कर, हर मां अपने बच्चे की और अपने परिवार की भलाई चाहती है। मैं मां नहीं बन सकती, तो कभी तो मुझमें पल मुझमें तो कभी मैं पल पल सोचता था कि जब तुम्हें इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो तुम पर क्या गुजरेगी, क्योंकि तुम्हें तो ये बात पहले से पता थी। मैंने चाहती थी कि आप और दुखी हो, इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा कर रखी।
प्यार करती हूँ मुझसे कावेरी, कि मुझे दुखी नहीं देख सकती। क्या आप मुझसे इतना प्यार नहीं करते? बन सकती, इससे मेरी जिंदगी कितनी बदल गई। सब कुछ होते हुए भी आज मेरे पास कुछ नहीं। मैं भी मेरी तनहा नहीं, मैं एक माँ हूं, अपनी कसक की माँ, अपनी कसक की माँ। काश कावेरी दुनिया तुम्हारे जज्बात को समझ सकती, काश वो तुम्हारे अंदर की इस यशोदा मां को भी देख सकती। प्रीति भाभी, भाभी, प्रीति भाभी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। प्रीति भाभी, भाभी कहां हो आप? भाभी, भाभी, भाभी कहाँ गायब हो गई? भाभी, भाभी, अरे आइए ना, क्यों मेरे साथ ये हाइड एंड सीक खेल रही हैं? अच्छा ऊपर गई हैं। प्रीति भाभी, प्रीति भाभी आ जाओ ना भाभी। प्रीति, प्रीति कहाँ गायब हो गई तू? प्रीति भाभी, अरे कहाँ गायब हो गई तू? नहीं, तू यहां से ऐसे नहीं जा सकती। मेरे मंसूबों पर पानी फेर कर प्रीति यहां से नहीं भाग सकती।